आज हम सिल्क वॉर्म या रेशम कीट की नेक्स्ट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट डिजीज है सिल्क वॉर्म की वह है रेशम कीट में बहुफलकता, पॉलीहाइड्रोसिस इन सिल्क वॉर्म। तो ये कितने प्रकार की है, पॉलीहाइड्रोसिस या बहुफलकता, ये तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, थ्री टाइप्स की होती है। तो पहली है केंद्रकीय बहुफलकता, केंद्रकीय बहुफलकता, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस। दूसरी है आंत्र कोशिका द्रव्य बहुफलकता, इंटेस्टाइनल साइटोप्लाज्मिक पॉलीहाइड्रोसिस, आंत्र कोशिका द्रव्य बहुफलकता, इंटेस्टाइनल साइटोप्लाज्मिक पॉलीहाइड्रोसिस। तो दो हो गए इसमें, केंद्रीय बहुफलकता और आंत्र कोशिका द्रव्य बहुफलकता, तीसरा है आंत्र केंद्रकीय बहुफलकता, आंत्र केंद्रकीय बहुफलकता। इंटेस्टाइनल न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस, इंटेस्टाइनल न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस। तो तीन प्रकार के हो गए ये बहुफलकता है, केंद्रकीय न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस, आंत्र कोशिका द्रव्य व आंत्र केंद्रकीय बहुफलकता। पहला लेंगे हम केंद्रकीय बहुफलकता। तो केंद्रकीय बहुफलकता कैसा है, यह ग्रोसेरी के द्वारा, ये ग्रोसेरी पीलिया जैसा रोग होता है इसमें, तो ग्रोसेरी के द्वारा पीलिया जैसा रोग हो जाएगा इसमें, और इसमें क्या होगा, ये वायरस जनित है। ये रोग कैसा है इसमें जो होता है इलियो में, वायरस जनित रोग है। तो इसमें ये क्या होता है, इसमें ये जो वायरस है या इसके ऊतकों केंद्रक व जो इसकी त्वचा ये ऊतक है, वसा के ऊतक है, उन पे यह हमला करता है, और ये बहुफलकता सामान्यतः चतुष्कोणीय व षटकोणीय बनती है। तो ये त्वचा के ऊतक और जो केंद्रक है इन पे हमला करता है, और यह कैसी होती है, चतुष्कोणीय या षटकोणीय। तो इस बहुफलकता में क्या होता है कि इली के जो सेगमेंट्स है वह सूज जाते हैं और उनमें व्हाइट पस इकट्ठा हो जाती है, और यह व्हाइट पस या सफेद मवाद क्या इकट्ठा हो जाएगी इनके सेगमेंट्स में, व्हाइट पस या सफेद मवाद इकट्ठा हो जाएगी, और इलियों को उल्टी आना और वो खाना बंद कर देगी और अंत में मर जाएगी। तो नेक्स्ट, ये जो व्हाइट पस इकट्ठा हो गई और रोगी इली है जो इधर उधर घूमने लग जाती है और अंत में वह मर जाती है। तो नेक्स्ट, इसमें कैसे हम इसकी रोकथाम, जो मेन इम्पोर्टेंट है, रोकथाम हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट तो वही है कि जो सारे जो उपकरण है और जो कमरा है वह पूरा
कमरा तो पूरा सैनिटाइज होने चाहिए और जो उपकरण है वो पूरे स्टरलाइज धोकर साफ रखना चाहिए। जैसे कोरोना महामारी में भी आपने देखा ही है कि सैनिटाइजेशन और स्टरलाइजेशन का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है, वैसे इसमें भी अगर संक्रमण हो गया तो हमारा जो पूरा कल्चर है वह नष्ट हो जाएगा। तो पहला वही है सैनिटाइजेशन व स्टरलाइजेशन का उपयोग करना। दूसरा है कि तरुण इली है, जो यंग इली है उसको शहतूत की पत्तियों को उचित मात्रा में देना चाहिए। तो यंग इली का हमें पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए और यंग या तरुण इली को शहतूत की मात्रा, जैसे उचित मात्रा में नहीं तो वो क्या होगी, खाना खाना बंद कर देगी। और मैंने आपको बताया था वो भक्षक होती है, बहुत ही वोरेशियस फीडर होती है, तो उसको उचित मात्रा में पत्तियों की आवश्यकता होती है। और कमरे में क्या होना चाहिए, ताजी वायु का संचार होते रहना चाहिए, विशेष रूप से पांचवें स्टेडियम के समय, जो फिफ्थ इंस्टार लार्वा है उसके समय, फिफ्थ इंस्टार जो लार्वा है उसके उसका जब ग्रोन अप हो रहा है, जब वह बन रहा है, तो उस समय ताजी वायु का संचार उचित मात्रा में होते रहना चाहिए। तथा रोगग्रस्त जो इली है, हमको पता चल गया कि ये रोगग्रस्त इली है, इसके सेगमेंट्स अलग से सूजे हुए, खाना खाना बंद कर रही है, तो उसको हमें तुरंत या मृत इली, रोगग्रस्त या मृत इली को हमें तुरंत रोगग्रस्त या मृत इली को हमें तुरंत हटा देना चाहिए, तुरंत हटा देना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, हमें हमें जो पूरा जो कमरा है उसको 2% फॉर्मलिन का स्प्रे करके उसको पूरा सैनिटाइज कर लेना चाहिए। और इस तरह हमें उसके त्वचा के घावों का, अगर सावधानी से हमें उसे पालन करना चाहिए, त्वचा के घावों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो घाव उसमें हुए हुए हैं और रोगग्रस्त है तो उसको हटा के उसको जो कमरे को पूरा बिना रोगग्रस्त इलियों का मुक्त करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आंत्र कोशिका द्रव्य बहुफलकता। तो इसमें जो बहुफलकता है वह आंत की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बनती है, आंत के कोशिका, आंत के कोशिका द्रव्य में बनेगी, कोशिका द्रव्य में क्या बनेगी, बहुफलकता बनेगी। और ये पूरे फिर कई बार ये जो आंत की कोशिका है वह फट जाती है और ये जो विषाणु है ये पूरे शरीर में फैल जाता है। और कभी कभी ये संलेष्मा या गॉबलेट सेल्स में भी बनती है, या ये संलेष्मा या गॉबलेट सेल्स में भी, ये गॉबलेट कोशिकाओं में भी ये बनती है। और इसमें क्या होता है कि जो आंत की कोशिकाएं हैं वह फट जाती है और ये जो पूरा है ये पूरे शरीर में फैल जाता है। तो जो इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वह पीले रंग का या बाहर आता है और इसके कारण हमें ये पता चल जाता है कि यह पॉलीहाइड्रा कोशिका द्रव्य में इसके द्वारा इन्फेक्टेड हो गया है। इसके जो रोकथाम है वह सिमिलरी है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था केंद्र के बहुफलकता के, ये सिमिलरी है। तो थर्ड हम लेंगे आंत्र केंद्र के बहुफलकता, आंत्र केंद्र की बहुफलकता। तो इसमें जो बहुफलकता है या जो पॉलीहाइड्रोसिस है वह किसमें होती है, वह स्तंभकार उपकला कोशिकाओं में विषाणु बनते हैं। तो आंत की जो कॉलोमनर एपिथेलियम सेल्स है, आंत की स्तंभकार कोशिकाएं कॉलोमनर एपिथेलियल सेल्स में यह पॉलीहाइड्रोसिस या बहुफलकता बनेगी। और इसमें जो रोगी इली है वह उल्टी या दस्त वगैरह करती है तथा यह उसका शरीर जो होता है वह सिकुड़ जाता है और उल्टी और दस्त करके फिर अंत में वह मर जाती है। नेक्स्ट जो रोग लेंगे हम वो है फ्लेचेरी रोग, फ्लेचेरी। तो इसमें क्या होता है, इस रोग में जो मृत इली है वह उस पे जीवाणु, मृत शरीर पर जीवाणु अपना आक्रमण के कर देते हैं और इसके कारण मृत शरीर सड़ जाता है। तो मृत शरीर पर जीवाणु
करते हैं आक्रमण करते हैं। मृत शरीर क्या होता है? मृत शरीर सड़ जाता है। तो इस और ये मृत शरीर सड़ गया तो दूसरों को भी इन्फेक्टेड करेगा और उसके कारण जो केली है उसको उल्टी होना, दस्त होना, उसके जो सेगमेंट फूल जाना और वो खाना खाना बंद कर देना और ये सारे पारभाषक शिरोवक्ष हो जाना, ये सारे इसमें होंगे। तो इनको जो कंट्रोल करना है फ्लैचेरिया रोग को, तो पहला है कि हमें रेशम कीट की प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी होती है? रेजिस्टेंट स्पीसीज। तो इसमें हमें इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? रेजिस्टेंट स्पीसीज का ही प्रयोग करना चाहिए जो इस फ्लैचेरिया के प्रति रेजिस्टेंट है, प्रतिरोधी प्रजाति, प्रजाति का ही हमें उपयोग करना चाहिए, रेजिस्टेंट वैरायटी। तो जैसे हमें अगर ये रेजिस्टेंट है इसके प्रति, तो अगर ये रोग फैल, ये जो हम अगर इस प्रजाति का उपयोग करेंगे तो ये रोग इसमें नहीं फैलेगा। बाकी तो पॉइंट्स आप जैसे देख ही रहे हो सेम ही है कि जैसे कमरे को वातानुकूलित रखना, उपकरणों को सैनिटाइज अच्छी तरह से स्टरलाइज करना तथा रेशम कीट का जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखना, उसे उचित मात्रा में शहतूत की पत्तियां देना और जो मेन इम्पोर्टेंट है कि मृत इली या रोगी इली है उसको वहां से हटा देना ताकि वह औरों में इन्फेक्शन न फैलाए। और लास्ट है कि कमरे को 2% फॉर्मलिन से पूरा सैनिटाइज कर देना। ये सारे इसमें इम्पोर्टेंट। और कुछ रसायन इसमें जो हम यूज लेंगे वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मेलिन व क्लोरिनेटेड लाइम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, फॉर्मलिन, इनका उपयोग करके हम इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं व क्लोरिनेटेड लाइम। नेक्स्ट रोग हम पढ़ेंगे। अच्छा ये सेकंड बड़े नहीं रहा था, 12.7 रुपया ने चल रहा। तो नेक्स्ट जो रोग है वह है सेप्टिसेमिया। तो सेप्टिसेमिया किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है। तो जो जीवाणु इसमें इस रोग को करते हैं वह है बैसिलस मेगाथेरियम, बैसिलस प्रोटियस, बैसिलस प्रोडिजिनस व बैसिलस पायोकायंस। तो ये क्या करते हैं कि ये है ना जो कैटरपिलर है या प्यूपा है उसमें तो संक्रमण नहीं करते, परंतु वयस्क जब अंडे देता है तो वयस्क के अंडों में भयानक संक्रमण होता है और ये इसके त्वचा में जो घाव है उसके द्वारा होता है। तो रोकथाम के लिए यही है कि पहले तो उपकरण है उन्हें सारे स्टरलाइज करना चाहिए, उन्हें जीवाणु मुक्त करना चाहिए और दूसरा जो मृत तीली या जो भी रोगग्रस्त तीली है उसे अलग से कंपोजिट पॉट में रख देना चाहिए और अंडे देते समय कमरे का तापमान व नमी उचित मात्रा में होनी चाहिए। तो लास्ट जो हम अब रोग करेंगे वह है हरा मस्कार्डिन रोग। नेक्स्ट जो लास्ट डिजीज हम पढ़ेंगे वह है हरा मस्कार्डिन रोग। यह हरा मस्कार्डिन रोग जो है वह स्पीकारिया प्रोसीना के द्वारा होता है। स्पीकारिया प्रोसीना के द्वारा होता है और ये एक फफूंद जनित रोग है। कैसा है? फफूंद जनित रोग है और इसने सबसे ज्यादा इसने कि इलियों को कहां पर प्रभावित किया है? सबसे ज्यादा इसने वियत नाम में इलियों को जो है अपनी ये कैटरपिलर्स है इसको प्रभावित किया है। तो ये फफूंद जनित रोग है तो इसमें इलियों पे काला धब्बा नुमा संरचना दिखाई देती है और हरी नलिकाएं जिसे कहते हैं माइसीलियम, आपने बॉटनी में पढ़ी होगी हरी नलिकाएं माइसीलियम इसमें बन जाता है और माइसीलियम में क्या हो जाता है? स्पोर्स भर जाते हैं और यह इली रोगी को बहुत ही प्रभावित करता है और सारे अंग में ये जो बीजाणु माइसीलियम का है आक्रमण हो जाता है और यह बेलनाकार बीजाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो पूरी इली में इन बीजाणुओं का आक्रमण हो जाता है और इस कारण इली में निर्मोचन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? माउल्टिंग नहीं होती है। इस कारण इली में
निर्मोचन निर्मोचन माउंटिंग माउंटिंग नहीं होती है और नहीं होती है और इली क्या हो जाती है, इली मृत हो जाती है। तो इसलिए फफूंद जनित रोग है, जबकि हमने देखा था कि जो सेप्टिक सेमिया है वह जीवाणु जनित रोग होता है। तो इन सब रोगों से हमें क्या करना चाहिए, हमें इलियों को बचाना चाहिए। तो इसका भी रोकथाम वही है, पहला तो वही है कि जो कमरा है उसे पूरा ही इसके फफूंद से मुक्त रखना चाहिए, पूरा ही सैनिटाइज करके साफ सुथरा रखना चाहिए, सारे उपकरण हमें धो के रखने चाहिए, स्टरलाइज रखने चाहिए। दूसरा है कि ज्यादातर फफूंद किससे होती है, जो शहतूत की पत्तियां हम लाते हैं उसके द्वारा होती है। तो ये फफूंद की जो शहतूत की पत्तियां हैं ये गीली नहीं होनी चाहिए, जब तक हो सके हमें इन्हें सूखा रखना चाहिए और बेड पर बिछा कर सूखा ही रखना चाहिए, ताकि इसमें फफूंद ना बने, फफूंद न बने। और वही लास्ट है कि जो रोगी इली है जिसमें ये हरा मस्कार्डिन रोग हो गया है, जो उस लिली को हटा के कंपोजिट पिट में डाल देना चाहिए और पूरी जो कल्चर है वो हेल्दी इलियों का ही होना चाहिए। और हमें यही इन सब रोगों को पढ़ने का यही मेन मोटो है कि कौन कौन से रोग इसमें हो गए, ताकि हम अगर इसका कल्चर स्टार्ट करें तो हम इन कल्चर में इन इलियों को इन रोगों से बचा के रखें, ताकि हमें हाई क्वालिटी का रेशम प्राप्त हो सके, अच्छे से अच्छे उसकी मार्केट प्राइस हो सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सके। थैंक यू।